फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू शांतनु वर्ड्स केयर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक एक वाइटल टॉपिक है, क्योंकि प्रोबायोटिक के बारे में फिर हम बताने वाले हैं, जो एक एलोपैथी प्रोबायोटिक, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त प्रोबायोटिक। देखिए, मैंने आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से बोला, मैंने खुद प्रैक्टिकली स्टडी किया, जो होम्योपैथिक के साथ एलोपैथी का मतलब, मान लीजिए अभी होम्योपैथी कुछ ऐसे सिचुएशन है जो मैंने अभी वर्ड्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एलोपैथिक इंटैक्ट करवाए, एक मिनट बाद भी आप होम्योपैथिक डाल सकते हैं। देखिएगा, कोई बैड सिचुएशन, जब डेंजर या कोई ऐसे सिचुएशन आ जाता है, होम्योपैथिक डॉक्टर भी अगर जेन्युइन वो होम्योपैथिक में काम करते हैं, वो एलोपैथिक गार्ड दे के होम्योपैथिक में काम करते हैं। ये तरीका मैं खुद अपनाता हूँ, तो इसीलिए होम्योपैथिक विथ एलोपैथिक एक साथ भी दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई केमिकल नहीं है। जैसे मैंने ये डेरोलैक एक प्रोबायोटिक है ह्यूमन का, लेकिन इसमें जो लैक्टोबैसिल प्रोबायोटिक है हम लोगों के बॉडी में, ये बर्ड्स के बॉडी में या एनिमल्स के बॉडी में भी लैक्टोबैसिल मिला है, वो एक अच्छा प्रोबायोटिक, मतलब अच्छा हम लोगों का शरीर का, बर्ड्स के शरीर या एनिमल शरीर का एक दोस्त बोला जाता है, जो हमेशा हम लोगों को वायरस बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं। ये मैंने इसीलिए आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ, पहले ही बोल रही है, कोई पेट प्रमोशन नहीं है, ये खुद मैंने यूज़ करता हूँ कभी कभार, खुद के ऊपर मतलब खुद भी खाता हूँ, और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। मैं मतलब दिखाता हूँ, जैसे इसका मैं एक जब भी बॉक्स लेता हूँ, इसके 10 सचे आते हैं, तो इसीलिए कुछ मत कीजिए, ऐसे खोलिए और पानी, या अगर बार्ड्स को दे रहे हो पानी के साथ भी, ये बहुत ही अच्छा डिजॉल्व होता है, क्वांटिटी भी ज़्यादा है, बिफिलैक्स से क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा और खोलना पड़ेगा, सॉरी, पूरा मुँह में। बहुत बढ़िया है, कभी कभार मैं बार्ड्स को देते खुद खा लेता हूँ, इसका टेस्ट इतना बढ़िया, और मुँह में जाने के बाद मैं खुद मतलब ह्यूमन के हिसाब से बोल रही हूँ, सॉरी, एक ठंडापन महसूस होता है, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार मैं खुद खा लेता हूँ, उन लोगों के लिए लाता हूँ, लेकिन मैं खुद ही खा लेता हूँ, अच्छा चीज़ है, आप खुद भी खाइए इस समर और रेनी सीजन में। प्रोबायोटिक हम लोग के शरीर का या हम लोग के बार्ड्स के शरीर का एक दोस्त ही नहीं बात है, प्रोबायोटिक शरीर में बैलेंस होने से मतलब बोल सकते हैं, ये इम्यूनिटी का काम करते हैं। जितना मान लीजिए आपका बार्ड्स का डायरिया हुआ है या लूज मोशन हो रहा है, या आप मान लीजिए कोई सर्दी जुकाम हुआ है, बुखार हुआ है, कुछ भी वॉट एवर सिचुएशन आपका बार्ड्स का है, जो कोई भी सिचुएशन है, प्रोबायोटिक फर्स्ट डालिए उसको, क्योंकि इतना जानिए आपका मान लीजिए वो कोई प्रॉब्लम से, बैक्टीरिया वायरस से जूझ रहा है, लड़ाई कर, उसका बॉडी तभी थक जाते हैं या डाउन में चले जाते हैं उसका प्रोबायोटिक लेवल डाउन होने से, नहीं तो लड़ पाते। जैसे अभी मान लीजिए, एक उदाहरण दे रही हूँ, मैं अभी फिट हूँ, खुद को लगता है, मतलब दिखा नहीं रही हूँ, सचमुच फिट हूँ, क्योंकि मेरे भीतर जो बैक्टीरिया है अभी अभी खाया, ये बिलियन बैक्टीरिया दिख रहा है, मतलब है, मैंने बहुत डॉक्टर के साथ बैठ के इसके ऊपर चर्चा करके तभी वीडियो बना रही हूँ। भीतर जो मान लीजिए कुछ ना कुछ चल रहा है, वायरस एंड बैक्टीरिया का कुछ ना कुछ भीतर में चल रहा है, जो हवा में बैक्टीरियल वायरल अभी के मौसम में तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं तब तक लड़ पाऊँगा जब प्रोबायोटिक लेवल मेरा हाई, मतलब एक स्टेबिलिटी मेंटेन होगा, मतलब उसको जो शरीर में जो जिस क्वांटिटी में होना चाहिए वो होगा, तब तक मेरा मान लीजिए भीतर में बुखार भी है, सर्दी भी है, पेट का भी कोई इन्फेक्शन है, लेकिन हमको कोई समझ नहीं है, मेरा शरीर का जो प्रोबायोटिक लेवल है वो लड़ रहा है अभी हमेशा। आप जब सोते हो, बैठते हो, चलते हो, फिरते हो, खाना खाते हो, हमेशा वो 24 hours into 7 जो कहावत है हम लोग लॉन्च किया बिजनेस के लिए, या कोई भी मेडिसिन शॉप, ये शॉप, ये बहुत सारे चीज़ों में अभी ये वर्ड होता है, वैसे ही हम लोग की बॉडी शरीर में, आपके बार्ड्स के शरीर में, बार्ड सोए, खेले, कूदे, खाए, ब्रीडिंग करे, उसका प्रोबायोटिक अगर सही है तो डरने का कोई बात नहीं। मैंने खुद खा के इसीलिए दिखाया, जो ये सिक्योर है बार्ड्स के लिए, आपका बेझिझक यूज़ कीजिए, क्योंकि सैसे कभी टैबलेट मिलता है,
बिफिलैक्स से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा है इसका दाम भी। बिफिलैक्स एक सैचे का रुपीज़ 15 रुपीज़ आता है, ये 13 रुपीज़ आता है। क्वांटिटी में भी ज़्यादा है, बिफिलैक्स थोड़ा सा मात्रा में होता है। और इसमें प्रोबायोटिक लेवल, जो जो प्रोबायोटिक है बार्ड्स के शरीर में जो प्रोबायोटिक मिलता है, इसमें से आपको 3 मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए 3 मिल जाने से मतलब मान लीजिए आपका 99.99% कम हो गया। तो इसलिए कोई भी सिचुएशन पे कुछ भी करने से पहले प्रोबायोटिक को ज़रूर अपनाइए। हो सकता है 1.5 लाख आपके पास ना मिले तो विजिलैक्स, बिफिलैक्स, जिसमें लैक्टोबैसिल मिला हुआ है वही एंटी प्रोबायोटिक ज़रूर यूज़ कीजिए। नेचुरली में हम लोग दही का पानी डाल सकते हैं, दही का ऊपरी भाग का जो पानी निकलता है बिठाने से, वो पानी प्रोबायोटिक का काम करता है, खुद दही प्रोबायोटिक का काम करते हैं। तो दही मेरा बहुत ही पसंदीदा, चाहे खट्टा दही हो या मीठा दही हो। लेकिन मेरे तो वीडियो नहीं बन रहा है, बार्ड्स का वीडियो बन रहा है। मैं कभी कभी बार्ड्स को वो प्रोबायोटिक वाला पानी भी डालता हूँ और ज़्यादातर ये डालता हूँ। ज़्यादातर का मतलब मान लीजिए सप्ताह में एक दिन मैं ये डालता हूँ और बाकी खुद खा जाता हूँ, इतना टेस्टी है। लेकिन बात यहाँ पर आप लोगों को मन पे होता ही होगा, अभी मन पे सवाल चल रहा है दादा अभी अचानक एलोपैथिक में। देखिए मैं सिचुएशन के ऊपर काम करता हूँ, मैं हमेशा जैसे बोलता रहता हूँ होम्योपैथिक कीजिए, लेकिन कभी आप लोगों को मिसगाइड नहीं किया। लेकिन सिचुएशन बदल जाने से आप एलोपैथिक होम्योपैथिक दोनों एक साथ कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन ब्रांडेड, ये सारे ब्रांडेड चीज़ को आपको यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे प्रोबायोटिक ऐसे विजिलैक हो गया, सीसी में मिलता है या उसका टैबलेट भी आता है। ह्यूमन का बहुत ही बड़ा बड़ा प्रोबायोटिक है टैबलेट, मतलब एक टैबलेट का रुपया मैंने लास्ट ख़रीदा 30 रुपीज़ पड़ा। मेरे लड़का का कुछ डस्ट हुआ था, मैंने खुद ट्रीटमेंट किया, जानता हूँ इसीलिए किया क्योंकि मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं। लेकिन तो लेवल डिजीज़ का लेवल जो था, मैंने सोचा था खुद उसको संभाल पाऊँगा, तो प्रोबायोटिक कोई एंटीबायोटिक नहीं डाला। विश्वास कीजिए प्रोबायोटिक 4 खिलाया उसको एक एक दिन में, एक क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रोबायोटिक है, ठीक हो गया। क्योंकि एंटीबायोटिक से ज़्यादा है पावरफुल प्रोबायोटिक। अब कुछ भी प्रॉब्लम है आप क्या कर रहे हो, देखिए बुद्धि को अपने दिमाग को काम पे लगाइए। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मान लीजिए पेट में कुछ खराबी है तो हम लोग O2 या नॉर्फ्लॉक्स ऐसे चीज़ों को एलोपैथिक में यूज़ करते हैं, हम होम्योपैथिक को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। और बैक्टीरिया शरीर में, सॉरी एंटीबायोटिक शरीर में जाके क्या करते हैं, अच्छा बुरा दोनों को मार गिराते हैं। लेकिन इसको डालने से क्या होगा, जो आपके लिए हमेशा लड़ते हैं, दिन नहीं रात नहीं दोपहर नहीं शाम नहीं, हमेशा लड़ते रहते हैं बॉडी के भीतर। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, मेरे भीतर में बहुत कुछ चल रहा है, हमको पता नहीं, क्योंकि मेरा प्रोबायोटिक अभी ठीक ठाक है इसीलिए मेरे को पता नहीं चल रहा है। अगर प्रोबायोटिक डाउन में चला जाएगा तब हमको महसूस होगा पेट में दर्द हो रहा है या दिमाग में कोई सर्दी जुकाम का लक्षण हम महसूस करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए उस टाइम पे आप यूज़ ना करके प्रोबायोटिक डालिए, पानी में प्रोबायोटिक दीजिए। और एक दिन में ऐसे प्रोबायोटिक आप 2 डाल सकते हो, कोई पूरा प्रॉब्लम नहीं है। पूरा मतलब एक बार्स के लिए पूरा नहीं, मान लीजिए आप 4-5 बार्स एक से, यार एक पेयर बार्स के लिए इसका आधा पैक, मतलब ये जो पैक है ये निकाला खाने का इच्छा कर रहे हैं, सॉरी ये बात है, आधा पैक इसमें जो है जो क्वांटिटी में कितना है अभी छोटा लिखा ना, मेरा मतलब आँखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देखा नहीं। मिनिमम 5 ग्राम से ऊपर होगा शायद, या वट सकता है 5 ग्राम से हो, कितना ग्राम लिखा हुआ है अभी देख नहीं पा रहे हम। इसका एक पेयर को इस आधा, 2 पेयर को पूरा, इसी के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। और इसके साथ आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, मतलब भरोसा रख के कीजिए, चाहे वो नाक्स हो, चाहे वो आपका कालमेक हो, सॉरी नाक्स हो, आपका एकोनाइट हो, सभी के साथ इसको मतलब ये प्रोबायोटिक के पानी में आप होम्योपैथिक आप डाल सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। मैं प्रैक्टिकली करके फ्रेंड्स तभी जानकारी प्रोवाइड करता हूँ, ऐसे ही हवा में बात नहीं करता हूँ, भरोसा रख सकते हो। क्योंकि मान लीजिए आपका कुछ डायरिया दस्त हुआ है तो आप नाक्सभूमि का कालमेक डाल रहे हो, कालमेक के साथ इसको मत डालिए। जो जो चीज़ के साथ आप मत नहीं डाल सकते मैं बोल दे रही हूँ, कालमेक के साथ इस प्रोबायोटिक को, कोई भी प्रोबायोटिक को मत डालिए। क्योंकि कालमेक खुद एक प्रोबायोटिक होता है, जैसे इचिनेशिया खुद एक प्रोबायोटिक होता है,
अल्फा अल्फा खुद एक प्रोबायोटिक, जो खुद एक प्रोबायोटिक है होम्योपैथिक में, उसके साथ प्रोबायोटिक को मत डालिए। जो प्रोबायोटिक नहीं है ऐसे शरीर में इन्फेक्शन को दूर करते उसके साथ डालिए। बात समझ में आया? अगर नहीं आया तो हमको व्हाट्सएप में पूछ लेना। लेकिन अगर ऐसे कर सकते हो, मान लीजिए आप काल में एक नागभूमि का डाला, 2-2.5 घंटे के बाद फेंक दिया, उसका ORS थोड़ा सा दीजिए उस टाइम पे, और उसके साथ एक सैचे मिला दीजिए, 1 लीटर पानी में एक सैचे, ठीक है। तो इसीलिए प्रोबायोटिक को हमेशा अपनाइए, एंटीबायोटिक को थोड़ा सा दूर रखिए। हाँ, सिचुएशन ऐसे कुछ हो जो बहुत ही ज़बरदस्त सिचुएशन आ गया, जो बहुत ही गलत हो रहा है, उल्टी कर रहा है या डायरिया, मतलब पानी के तरह पॉटी निकल रहा है या बास्ट इतना वीक हो जाएगा, तब स्ट्रोक हो जाएंगे, तभी आपको सिचुएशन को समझते हुए एलोपैथी में सहारा लेना पड़ेगा। क्या सहारा लोगे? हमको अगर मतलब हमको पूछना चाहते हो तो हमको व्हाट्सएप में पूछना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही नॉर्मल सिचुएशन में प्रिवेंट और अपने प्रोबायोटिक लेवल को हाई करने के लिए इसको आप डाल सकते हो। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, और आप खुद भी ये प्रोबायोटिक अपने के लिए ले, खुद के लिए ले सकते हो। होम्योपैथिक में प्रोबायोटिक का नाम फिर ले रही हूँ, अश्वगंधा मादर, इचिनेशिया मादर, आपका हाँ कालमेक मादर, वेरेटम सॉरी अबिना सैटाइवा मादर, आपका जेलसिंग मादर, आपका जो अरे नाम भूल जाता है बार बार हम, अरे बोलिए ना उसका नाम, अभी अभी नाम बोला मैं, इस नाम ज़्यादा भूल जाता हूँ, दामियाना नाम उसका, जो मादर है, ये सारे चीज़ प्रोबायोटिक का भी काम करते हैं। तो ये लोग ये मेडिसिन अगर होम्योपैथिक में यूज़ कर रहे हो तो कोई भी एलोपैथिक प्रोबायोटिक उसके साथ मत मिलाइए। अगर आप नॉक्स को, एकोनाइट को, जेल्सियम को यूज़ कर रहे हो तो ये प्रोबायोटिक या कोई भी ह्यूमन प्रोबायोटिक आप एलोपैथिक के साथ मिला के दे सकते हो, या अलग अलग भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गारंटी हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। और प्रोबायोटिक सप्ताह में 1-2 दिन हमेशा दीजिए, क्योंकि आपका वार्ड्स का मैंने अभी बोला, जो वो एंटीबायोटिक ना देके आप प्रोबायोटिक डालिए, और प्रोबायोटिक का लेवल हाई रहेगा, जैसे फिर बोल रही हूँ मैंने खुद उदाहरण दिया, आपका वार्ड्स प्लेफुल है का मतलब क्या है, उसमें भीतर लड़ाई चल रहा है, उसका भी पता नहीं, आपको देख रहे हो सुंदर चल रहा है, खेल कूद रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन नहीं, भीतर में लड़ाई हमेशा 24 आवर्स, क्या जिंदगी जब तक है, शरीर जब तक, कब तक चलता रहेगा, लेकिन उसमें इसको हाई करना पड़ेगा प्रोबायोटिक को। तो चलिए आज इतना ही, बहुत ही वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, नीचे कॉमेंट्स पर करना, लाइक ज़रूर करना, मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज इतना ही, नमस्कार।